पर्सन बी है, पर्सन ए और पर्सन बी जो है ये दोनों इस रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं और रोप जो इस टाइम पे टॉट है, ठीक है। अच्छा ये दो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं, सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टॉट। टॉट का मतलब होता है रोप, रोप जो है वो खींची हुई है, ठीक है। अच्छा और दूसरा होता है स्लैब, ठीक है। ये वाली जो अभी मैंने चार्ज किया था ये रोप है, ठीक है, ये स्लैब है। और अगर आप इसको इस तरह से फा लेते हो तो ये अब ये टॉट है, ठीक है, ये क्या डॉट हो गया, ठीक है। सो अगर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है, रोप जो है बेटे वो खिंची हुई है, तो उसके अंदर टेंशन होगी। अगर स्लैक है तो उसमें टेंशन नहीं होती है, उसमें कोई फोर्स नहीं होती है। सो अगर रोप टॉट है, मतलब रोप खिंची हुई है दोनों लोगों के बीच में, तो अब देखो पर्सन ए को क्या फील होगा। पर्सन ए को ये रोप किधर को खींच रही है बेटे, राइट को। तो टेंशन पर्सन ए को किधर को लग रही होगी बेटे, राइट साइड। ओके, पर्सन बी को क्या लग रहा होगा, उसको रोप किधर को खींच रही है, लेफ्ट को। तो बी के लिए बेटे टेंशन किधर को लग रही होगी, लेफ्ट साइड। अच्छा अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट फिर क्या डेवलप करेंगे हम। तो बेटे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी टेंशन की डायरेक्शन हमेशा लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जहां खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो उससे अवे लगा करेगी। सो ए के लिए बेटे टेंशन ए से अवे लगेगी, बी के लिए टेंशन बी से अवे लगेगी। सो टेंशन के लिए जो रूल याद रखेंगे वो है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो आपने जब कभी भी, क्योंकि पेपर में ऐसे में क्वेश्चन नहीं क्या करना है, क्वेश्चन ना पहले पार्ट में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक जगह पर रख पाता है, वो मैथ्स के ऊपर रख पाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं मैथ्स से अवे रख दो, वो दूसरे पार्ट में ना वो ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रख पा देते हैं, तो फिर आपको वहां से नीचे की तरफ को टेंशन मार्क करनी पड़ती है। सो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब हम एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अब सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये रोप है आपने इसको यहाँ पे छत के साथ हैंग किया हुआ था और नीचे एक बॉक्स हैंग हुआ हुआ था। अच्छा तो अब वो आपको कहेंगे जी बॉक्स ए जो है इज एट रेस्ट। अच्छा अब जैसे वो कहते हैं ना बॉक्स ए इज एट रेस्ट, इसका क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है, बॉक्स ए, ठीक है। अब बॉक्स ए अगर इधर है तो आप टेंशन की डायरेक्शन किधर को लगाएंगे जी, अवे फ्रॉम द, हाँ जी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने वो जो अवे फ्रॉम मैथ्स याद रखा हुआ है ना, वो असल में अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि ये जो सीलिंग है, फ्लोर सीलिंग है ऊपर वाली, उसके ऊपर टेंशन किधर को लग रही है, तो वो टेंशन किधर को लग रही है, वो नीचे को लग रही है, ठीक है। सो क्योंकि ये न्यूटन का वो इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होता है, ठीक है। दो डायग्राम्स को मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ बेटे। देखिए एक आपने ना छत के साथ दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट की, दोनों फिक्स पॉइंट के ऊपर है। आपने उन दोनों को एक जगह के ऊपर नॉट से बांध दिया, पी पॉइंट के ऊपर फिक्स पॉइंट है, पी पी पे नॉट लगा दिया आपने, और आपने उसके साथ नीचे की तरफ कोई वेट लटका दिया। तो अब बेटे ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर दोनों में टेंशन होगी, पी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर, तो आपकी टेंशन किधर को मार्क हो रही होगी बेटे, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये जो टेंशन है कहां पे लग रही होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। माय क्वेश्चन इज आर दीज गोइंग टू बी सेम और नॉट, अच्छा लेट्स जस्ट लीव दिस डिस्कशन फॉर अ सेकंड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर अ मिनट, देन वी विल गो बैक। अच्छा एक सेकंड, अब इस केस में हमने क्या किया, हमने इस दफा यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, हमने यहाँ पे ना एक रिंग थ्रेड कर दिया। एंगल पर डिपेंड करेगा, सुन लो पहले सुन लो बेटे, क्योंकि हमने फिजिक्स में नहीं है सिनेरियो, आपको अलग से नहीं करवाया। अच्छा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बेटे एक रिंग थ्रेड कर दिया, ठीक है। अब ये रिंग मूव कर सकता है, ये रिंग लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, ये खुद ही स्टेबलाइज हो गया वही जगह पे। तो पहली बात तो ये करते हैं कि रिंग जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो टेंशन कहां लग रही होगी दोनों स्ट्रिंग्स में, अवे फ्रॉम, नहीं नहीं वो खींचा हुआ है ना, क्योंकि नीचे वेट लगा दिया।
अब यहाँ पे अब क्योंकि ये नीचे को खींच रहा होगा वेट की वजह से, तो स्ट्रिंग्स दोनों की दोनों जो होंगी वो क्या होंगी, टॉट होंगी, ठीक है। अच्छा, तो उनमें टेंशन होगी और टेंशन इधर पे लग रही होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज द रिंग बेसिकली। अच्छा, लेकिन इस केस में रिंग मूव कर सकती है जी। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ टेंशन दैट इज हैपनिंग। अब बेटे रूल याद कर लें, सुन लें, रूल याद कर लें। अगर ये वाला पॉइंट बेटे फिक्स हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद करने लगा, रट्टा लगाने को पक्का, अगर ये वाला पॉइंट फिक्स हुआ तो ये वाली दोनों टेंशन डिफरेंट हुआ करेंगी T1 और T2। अगर ये पॉइंट फिक्स हुआ तो ये वाली दोनों टेंशन क्या हुआ करेंगी, डिफरेंट हुआ करेंगी T1 और T2। और अगर ये रिंग हुई, पॉइंट स्लाइडेबल हुआ, तो ये दोनों टेंशन हमेशा इक्वल हुआ करेंगे, ठीक है। मैं उसकी रीजन बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, सो क्यों, क्योंकि बेटे जब आप इसको फिक्स कर देते हो यहाँ पे नॉट बांध देते हो, यहाँ पे गिरा लगा देते हो, तो बेटे आप इनको दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में दो डिफरेंट टेंशन होती है। जब ये स्लाइडेबल है बेटे, ये यहाँ से लेके इस एंड तक ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग में सिंगल फोर्स एग्जर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो वो इसलिए दोनों तरफ टेंशन सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको जब गिरा लगाते हैं, स्ट्रिंग पे नॉट लगा देते हैं, तो उसको पॉइंट पे जब फिक्स कर देते हैं तो वो दो सेपरेट स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपके लिए रट्टा क्या है, रट्टा सुन लें कि अगर ये वाला पॉइंट स्लाइडेबल हुआ तो फिर दोनों तरफ टेंशन सेम हुआ करेगी, और अगर ये वाला पॉइंट क्या हुआ, फिक्स्ड हुआ, तो दोनों तरफ टेंशन क्या हुआ करेगी, अलग अलग हुआ करेगी। अच्छा जी बच्चों, ये देखो टेंशन की डायरेक्शन इधर और इधर होगी, अवे फ्रॉम द रिंग होगी, और इक्वल होगी या नहीं, इक्वल होगी, क्योंकि बेटे ये जो है ये रिंग है, ये रिंग है। अगर तो बेटे ये पॉइंट स्लाइडेबल हुआ, अगर तो ये पॉइंट स्लाइडेबल हुआ, ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल रखेगा इसको, और अगर ये पॉइंट्स अलग अलग हो गए तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो गया, यहां तक हमें ये बात समझ आ गई कि अगर मूवेबल पॉइंट होगा तो वो इक्वल हुआ करेंगी, नहीं होगा तो रिंग होगी। अब लास्ट बात करते हैं, इस चीज बोलते हैं पुली, या फिर इसको वर्ड पेग का भी यूज होता है। पुली और पेग में क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। पेग जो होता है ना वो रोटेट नहीं करता साथ, पुली में अगर ऊपर से कोई वायर गुजरी हुई है यू, ठीक है, तो अगर ये वायर रोटेट करेगी ना तो पुली भी साथ बीच में रोटेट कर रही होगी। ओके, सो पुली भी जो है वो साथ साथ रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से चीज गुजरती है। पेग क्या होता है, पेग बस एक स्मूथ सर्फेस होती है राउंड, जो बीच में बस स्टेबल होती है, वो मूव नहीं कर सकती। आपकी जो रोप है उसके प्रोसेस स्लाइड करती हुई इधर से उधर होती है, काम दोनों एक ही तरह करती है, आपको दोनों के बीच में फर्क नहीं बताना चाहिए। मैंने दोनों नाम क्यों बताए, क्योंकि पेपर में कई जगह पे पुली लिखा हुआ है, कहीं पे पेग लिखा हुआ है, बच्चे को पता होना चाहिए कि वो दोनों एक ही चीज होती है। पेपर में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पेपर में एक गोल राउंड बनाते हैं, ठीक है, और इस राउंड की दोनों साइड से एक एक वायर अगर नीचे जा रही है, सो लेट्स सपोज हमने इस साइड से भी एक वेट लटकाया हुआ है और दूसरी साइड से भी एक वेट लटकाया हुआ है, अच्छा इधर से अगर 5 न्यूटन का वेट लटका हुआ है, इधर से 11 न्यूटन का वेट लटका हुआ है, ओके, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि पुली के अंदर रूल ये है कि टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द पुली लेनी है। टेंशन कहां को लेनी है, हमेशा टुवर्ड्स द पुली लेनी है, और टेंशन हमेशा इक्वल होगी रिगार्डलेस ऑफ वेट सेम है या डिफरेंट है, पुली रुकी हुई है या मूव कर रही है, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुली इज वन ऑफ वेरी फ्यू मैकेनिकल डिवाइसेस जिनका वर्क एफिशिएंसी एग्जैक्ट सेम होता है, और उसी का एक आउटकम ये भी होती बात कि उनकी टेंशन भी सेम रहती है, और टेंशन दूसरी वजह से भी सेम है ना। आपकी स्ट्रिंग कहीं पे कटी तो नहीं, आपकी स्ट्रिंग ऊपर से लेके 5 न्यूटन से 11 न्यूटन तक सिंगल एक ही स्ट्रिंग है ना, और वो कहीं पे फिक्स भी नहीं हुई हुई, और पुली से बीच में स्लाइड कर रही है ना, मैं सोचो, ठीक है। सो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, सिंगल टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज इक्वल and towards the pulley. अच्छा, पहले तो towards the pulley वाली बात के ऊपर बहस कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा important बात है। वो examiner बोलेंगे कि ये दोनों objects जो हैं ये यहाँ तो rest पे हैं या move कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो इनको rest पे या move करने का कहेंगे तो हमारा point of observation कौन हो जाएगी, ये वाले objects हो जाएंगे, ठीक है। तो जब object आपका point of observation होगा तो हमने tension कहाँ लगानी होती है, away from the point of observation। तो बेटे टेंशन आपने अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर की तरफ को मार्क कर दी हमने,
टेंशन की डायरेक्शन मार्क कर दी, तो दोनों दफा टेंशन ऊपर की तरफ। अगर वो पूछे व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग्स, तो फिर टेंशन किधर को लगनी शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि अब हम पुली को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पास्ट पेपर में दो क्वेश्चन है इस तरह के, इसलिए मैं आपको वो वाला रट्टा नहीं लगाने दूंगा कि ऑब्जेक्ट से अवे जो है वो टेंशन लगाते जो हर दफा, ठीक है? क्योंकि जब वो क्वेश्चन आएगा ना व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द पुली, तो अब आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन हो जाएगा, पुली, और अब आपकी ये दोनों टेंशन की डायरेक्शन किधर को मार्क हुआ करेगी, नीचे की तरफ को मार्क होगी। तो ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, टेंशन सेम क्यों है, क्योंकि बेटी यहां से आते सेम सिंगल स्ट्रिंग है। अच्छा, नाउ रिगार्डलेस ऑफ, नंबर वन, शेप ऑफ डायग्राम, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन या रेस्ट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं हो सकता है पुली की डायग्राम के अंदर, मैं आपको एक और डायरेक्ट, मैं आपको कुछ और डायग्राम सिखाता हूँ पुली की। So, let's talk about this one. जी, अब ये पुली लगी हुई है, टेंशन कहाँ पे मार्क करेंगे आप दोनों दफा? टेंशन इज इक्वल एंड टुवर्ड्स द पुली, यहाँ पे इधर मार्क होगी, इधर ये टेंशन मार्क होगी, इधर देखें, यहाँ पे इधर होगी और इस तरफ को होगी। Doesn't matter what the direction is, वेट पे भी नहीं मैटर करता, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ मैटर कर रहा होता है हाँ, वो क्वेश्चन में भी कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट की बात, ठीक है? जब वो पुली की करेंगे तो मैं वहां पे स्विच करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है? 99% ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है? इधर भी इधर को टेंशन लग रही होगी, इधर को नहीं। सो आज हमने जो चीजें सीखी हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोर्सेस का सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है? अब क्योंकि मैंने उसी के नीचे नोट्स बनाए हैं जो फोर्सेस के नोट्स थे। जी, आज हमने क्या सीखा है, फोर्स क्या होती है, इट इज टेंशन क्या होती है, इट इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोप ऑन द ऑब्जेक्ट, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? जहां पे आप खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे उससे अवे लगाया करना, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्ट यूजली आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट से अवे लग रही होती है। लेकिन आप जो रूल बना के बैठे होते हो कि हम ऑब्जेक्ट से अवे लगाएंगे, वो रूल गलत है, ठीक है? और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, जी, अब हमने इस डायग्राम, ये डायग्राम अच्छे से रट्टा लगा लो, पूरे पास्ट पेपर भरे पड़े हैं इस डायग्राम के साथ। ये कभी डायग्राम इस तरह आ जाती है कि वो वर्टिकल करके आ जाती है, ठीक है? सो बेटी ये देखो, अगर तो ये वाला पॉइंट फिक्स्ड होगा तो ये दोनों टेंशंस डिफरेंट हुआ करेंगे, अगर ये वाला पॉइंट मूविंग होगा तो ये दोनों टेंशंस सेम हुआ करेंगे, ठीक है? अच्छा, और ये देख लो, ये सेम डायग्राम है, इसको अगर मैं इस डायग्राम को रोटेट करूं तो ये वही ऊपर वाली डायग्राम बन जाती है, ठीक है? उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। फिर पुली या पेग बेटे सेम चीज होती है, पुली असल में साथ रोटेट होती है, पेग नहीं रोटेट होते हैं, और जो टेंशन होती है बेटे वो इक्वल और टुवर्ड्स द पुली होती है, क्योंकि हम किसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन होता है, वी यूजली ऑब्जर्व the objects, जो साथ masses लगे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, तो और regardless of the shape of the object, shape of the diagram, चाहे वो sideways आ जाए, vertical आ जाए, weight of objects different भी होंगे तो भी होगा, तो भी same रहेगी, objects रुके हैं या move कर रहे हैं, उससे भी इस बात को फर्क नहीं पड़ता है।